सिर्फ पढ़ना ही नहीं है और जो सिखाते वो समझना भी है। शाबाश, उसको जीवन में अप्लाई करना। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? हमको इसलिए पढ़ना है कि हम किसी के काम आने के काबिल बन सकें। क्लियर हुई बात की नहीं हुई? आपको मैथ्स आएगी तब ना तुम सिखा पाओगे, कोई ना कोई हुनर आएगा तब ना तुम सिखा पाओगे, और सीख करके फिर आगे उस ज्ञान को बढ़ा पाओगे। समझ में आया? शाबाश खाना, बैठो। पीछे वाला बच्चा, सेम प्रश्न आपसे, आपने क्या सीखा? आपने क्या सीखा सर? ये जो बोला वो सुना आपने? अब आपको खड़े होके बोलना है, है ना? अच्छे से बोलो। शाबाश, वेरी नाइस, हैंडसम, ये बहुत अच्छा लग रहा है ना, हैंडसम लग रहा है, इसकी ताली बजा दो एक बार। भाई गुड, वेरी बोलिए, किसी को नहीं कह रहे हैं, बोलो बेटा। सर के पास तक आवाज जाएगी, इसमें वो क्या बोला आपने, क्या सीखा? फिर से बोलो, जोर से बोलो, पढ़ने के लिए आपने। शाबाश, क्या सीखा आपने, जो अभी सर ने समझाया उसने क्या सीखा? सीखा कि क्या करना चाहिए आपको? पढ़ना चाहिए। शाबाश, बैठो। मेरी क्लास के लिए इतना रोल है, अगला बच्चा बोलो बेटा, बोलो। आज जो अभी तुमने सुना उससे क्या सीखा? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आपने टाइम वेस्ट करा आधा घंटा, हाँ, तो क्या सीखा वो बताना है आपको। आपके दिमाग में जो आ रहा हो वो आ रहा हो, आवाज आ रही है इसमें। ऐसे बोल दो, विदाउट माइक बोल दो। चलो, धीरे धीरे आपको सीखना है, बोल रहे हैं। दो वर्ड्स आप याद रखो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, दो वर्ड सीख के जाओ। एक है प्रोडक्टिव, बोलो सर, प्रोडक्टिव। प्रोडक्ट क्या होता है? उत्पाद जो हमने बनाया, ये क्या है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है ये, कुछ बनाया हुआ है ना। जो सामने क्या देख रहे हो, पेन, क्या है? प्रोडक्ट है। ये क्या है? क्लॉथ, ये भी एक प्रोडक्ट है। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आई? जिसमें हम लोग बैठे ये क्या है? चेयर है। तो चेयर भी क्या है? प्रोडक्ट है, कुछ बनाया है। जो भगवान है उसने भी दुनिया बनाई है, ये उसका प्रोडक्ट है। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आई? तो आपको खुद को प्रोडक्टिव बनाना है कि आप भी कोई प्रोडक्ट पैदा कर सको, कुछ बना सको। क्लियर हुई ये बात कि नहीं हुई? और ये कहाँ सीखोगे तुम? स्कूल में सीखोगे, घर में पेरेंट्स बता पाएंगे क्या? वो अपने काम में बिजी नहीं बता पाएंगे, वो आपको यहाँ पर। तो दो वर्ड सारे बच्चे बोलो, कुछ नहीं दिमाग में आ रहा, ये दो वर्ड बोल दो। एक प्रोडक्टिव बोलो साहब, एक बार बोलो, और दूसरा इफेक्टिव। एक बार फिर से, इफेक्टिव, प्रोडक्टिव और इफेक्टिव बनने के लिए। एक तो प्रोडक्ट बन गया और दूसरा ये जो प्रोडक्ट बने वो कैसा हो? इफेक्टिव हो। इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली हो, जो असर डाल सके। ठीक है, हमने कुछ बोला किसी पर असर ही नहीं पड़ा, तो क्या है इफेक्टिवनेस? कुछ भी नहीं है ना। समझ में आया ही नहीं आया? कोई स्पोर्ट्स उनको अच्छा लगता है, कोई खेल अच्छा लगता है आपको? सर क्या सिखाते हैं? सर कुछ मार्शल आर्ट सिखाते हैं ना, क्या सिखाते हैं? कराटे सिखाते हैं ना। अब कराटे में क्या मारते हैं? पंच। अब मान लो ये पंच इफेक्टिव नहीं है, तो सामने वाले पर कोई असर डालेगा कि ना, उल्टा हो जाएगा ना। तो आप प्रोडक्टिव भी बने, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने की काबिलियत आपके अंदर आए, और दूसरी बात, जो भी आप प्रोडक्ट करें, प्रोड्यूस करें, वो इफेक्टिव हो, उसका प्रभाव पड़े, उसका कुछ असर आए। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं? क्लास में आप मौजूद रहो तो टीचर को, पूरी क्लास को इस बात का एहसास होगी बच्चा आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आए या नहीं आए तो बराबर ही है, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, कुछ पता ही नहीं पड़ा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो टॉप क्लास के होते हैं, कोई भी इवेंट होता है उनको बुला लिया जाता है, कोई असेंबली करानी है उनको बुला लिया गया, गरीब परेशानी है भाई उसको बुलाओ वो सब कर देगा, कुछ अरेंजमेंट करना है उसको बुला दो। और कुछ बच्चे कैसे होते हैं, आ गए तो ठीक और नहीं आए तो भी ठीक, कोई उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। तो ना तो कोई वो प्रोडक्टिव हो पा रहे हैं, ना इफेक्टिव हो पा रहे हैं। तो दो चीज़ें ही आपको आज सीख करके घर पर जाना है, और घर में कोई पूछे तो ये दो चीज़ें बतानी है। क्या हुआ था आज? हमने प्रोडक्टिव बनना सीखा, और दूसरा
इफेक्टिव बनना सीखा। ये दो वर्ड बोलूं, प्रोडक्टिव और इफेक्टिव। शाबाश। अगला बच्चा, नेक्स्ट चाइल्ड। चलो नितिन, क्यों आते हो स्कूल बताओ? शाबाश। और क्यों स्कूल आते हो, क्यों पढ़ाई कर रहे हो ये बता। हाँ, और पढ़ाई करने से क्या होगा, आप प्रोडक्टिव बनोगे और इफेक्टिव बनोगे। शाबाश, बैठो बेटा, आप बताइए। हम पढ़ाई करने के लिए आते हैं और पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हम प्रोडक्टिव बने और इफेक्टिव बने। अब एक बार फिर से बोल देंगे। अरे वाह, बोल दिया, शाबाश, तालियां बजा लो। राज, हाँ राज, क्यों पढ़ने आते हो? ये तो राजा बात बेटा, राजा अपना। हाँ, आगे बढ़ सके तो वहाँ जहाँ तक आओगे तो वो भी पढ़ाई पूरी होगी। शाबाश, बैठो। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। काम आ सकते, वेरी गुड, ये सबसे बेहतरीन चीज है, क्योंकि बच्चा बड़ा है तो अच्छा। यस, चलो यहाँ से शुरू करो। विशाल, हम इसलिए स्कूल आते हैं, हम बड़े होके अच्छा बने और सब कुछ करना। सब कुछ करना सीखे। शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी आपको मालूम है, नाम है सुनीता विलियम्स का, नाम सुना? सुनीता विलियम्स का, सुनीता विलियम्स नाम सुना है? जिसके कोर्स में है उन्होंने सुना होगा ना, सुनीता विलियम्स जो स्पेस में गई थी, वही है, उनको पढ़ाया है ना। उसके बारे में बताओ कुछ, आपको बताएगा ये पायल, बड़ी बच्ची इसने पढ़ लिया है, ये बता सकती है। इसके कोर्स में था सुनीता विलियम्स का। पायल बताओ, बताओ पायल। हाँ हाँ, वही वही बताओ, कहानी बताई थी ना, हम सब सुनने के लिए बेहतर। क्या याद है तुमको? देखे वो चांद की जो गई है, तो यही नहीं दिखता है चांद, उधर तक क्यों गई हो? शाबाश, बैठो, वेरी गुड। अब इसमें क्या है, इसके मन में एक इच्छा थी, एक ललक थी कि मुझे कुछ करना है और सबसे अलग करके दिखाना है ना। देखो पायल, अब यहीं पर आप सबको समझने की कोशिश करनी है, हमने भी एक चीज बोली थी, यहाँ पर वो अंडरलाइन हम कर रहे हैं, इम्फेसिस दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। हमने क्लास में पढ़ लिया सुनीता विलियम्स के बारे में, हमको उसका नाम भी याद है। अब इसके आगे आपको खुद से निकलना है। आप किस स्टैंडर्ड में हो? दसवीं में हो आप? हाँ। टेंथ में हो? हाँ, बहुत बच्ची अपने वहाँ से एट्थ करके गई है। अच्छा। और आगे कंटिन्यू पढ़ रही है। शाबाश। तो अब सुनीता विलियम्स के बारे में आपको आगे एक्सप्लोर खुद से ही करना है। क्या किया उसने, उसका नाम फेमस क्यों? आज जो हमारे स्कूल में हम आए, बोला हमने उसका नाम, तो क्यों बोला? क्या उसमें खास बात थी ऐसी कि सुनीता विलियम्स का नाम आ गया? अभी जो मुझे दिमाग में आया वो क्यों है कि 6 साल के बाद दोबारा वो मार्स मिशन में जाना है, तो दोबारा उसका नाम सेलेक्ट हुआ है और उसकी फिर से ट्रेनिंग हो रही है। इतने बड़े यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सुनीता विलियम्स के अलावा दूसरा व्यक्ति उनको मिला नहीं, और 6 ईयर्स आफ्टर जब फिर से उनको उस मिशन को एम्बार्क करना है, शुरू करना है, तो फिर से सुनीता विलियम्स को उन्होंने फिर से कॉल किया कि तुम ही आ जाओ, तुम एक बार जा चुकी हो, फर्दर ट्रेनिंग के लिए तुम ही आओ, और आगे जाना तो फिर से तुमको ही जाना है। वाह, क्या बात है। मतलब पूरे भारत से एक ही लड़की इतनी इंटेलिजेंट है, जो कि अच्छे से वैज्ञानिक है, खोज करती है, अनुसंधान करती है, और यहाँ से सिलेक्ट होती है। पूरा मन उसने कायने लगा रखा है अपने काम में, उसका काम है खोज करना, अनुसंधान करना, है ना, तो उसका मन उसमें लगा रहता है। तो वैसे आपका भी है कि आपका मन आपके काम में होना चाहिए, और अभी आपका पहला काम कौन सा है? पढ़ाई करना। कौन सा काम है? अभी आपको मम्मी पापा ऐसा तो नहीं बोलते जाओ नौकरी करने जाओ, तो आप पहला काम ईमानदारी से करो अपना, ठीक है। अभी पायल कहाँ पढ़ रहे हो? कहाँ पर? बड़ा गणपति, शारदा में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम्हारे लिए मेरे पास एक किताब है, स्पेस क्विज करके है, स्पेस क्विज इंग्लिश में रहेगी, लेकिन यदि तुम पढ़ना चाहोगे तो एवरी संडे आई कैन कम हियर एंड कैन टीच यू। इंग्लिश में स्पेस क्विज पर ही है वो, सुनीता विलियम्स ने जाकर के ऊपर क्या किया, आसान है क्या वहाँ जाना, परिवार को छोड़ करके चले जा रहे हैं चांद पे, स्पेस में वहाँ कोई है क्या साथी कि वहाँ पर पिक्चर मिलेगी, रणवीर कपूर मिलेगा, उसको देखेंगे वही, गलती से मिस्टेक करेंगे, नहीं, पर फिर भी लोग जा रहे हैं, पागल है, दीवाने हैं अपने काम का। आपको कुछ भी हासिल करना तो क्या होना चाहिए? पागलपन। बगैर पागलपन के कुछ हासिल नहीं होता, कुछ नसीब नहीं होता है ना। तो वो बढ़िया बुक है, वो हम
जो हमारा कैंपेन है रीड फॉर फ्री, वो ऐसे ही बच्चों के लिए, मेन मकसद हमारा आने का यही था कि सारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वहाँ तक लिमिटेड ना हो, सीमित ना हो। उसके आगे आपको विंडो मिल गई, पढ़ना लिखना सीख लिया, आवा सादा, अब उसके आगे हम कितना कुछ पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं जीवन में कितने आयाम है और कितना कुछ हो रहा है हमारे इर्द-गिर्द, कितना कुछ हमारे करने के लिए, वो हम सीख सकें। और ये सब हमको कहाँ से मालूम पड़ेगा, जब हम किताबें पढ़ेंगे। टीचर्स अपना रोल निभाएंगे 40 मिनट क्लास में, हम भी क्लास में जाते हैं तो क्या करते हैं, जो हमको पढ़ाने की किताब है उतना दे पाते हैं, अनलिमिटेड तो नहीं दे पाते, लेकिन जो बच्चा है उसके लिए अनलिमिटेड दरवाजे खुल जाते हैं। वो कहाँ से चल रहा है हमको नहीं पता, कहाँ सुनीता ने भी जहाँ पढ़ा होगा उसको भी मालूम था कि वो अंतरिक्ष में जाएगी और एक बार नहीं दो बार जाने के अवसर मिलेंगे। पूरे दुनिया भर से ऐसे लिमिटेड लोग, अरबों लोग हैं दुनिया में, लेकिन मौका एक को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने आप को कितना प्रोडक्टिव और कितना इफेक्टिव बनाया है। यूनाइटेड स्टेट्स में दूसरा व्यक्ति नहीं मिल रहा, उसको दोबारा बुलाना पड़ रहा है, आप समझिए ऐसा प्रोडक्टिव आपको बनना है। और इस स्कूल का तो नाम ही है आदर्श, तो आइडियल जो आदर्श बच्चे हैं घर से ही निकलना चाहिए। शाबाश पायल, तुम्हारे जवाब से बहुत बहुत खुश हुआ। नेक्स्ट चाइल्ड आपने आज कैसे कहा शाबाश, काम आ सके, वेरी नाइस, बिल्कुल तालियां बजाओ भाई। हम कुछ सीखते हैं, कुछ हुनर आए हमारे अंदर और फिर हम दूसरों के साथ लोगों बांट सकें, शेयर कर सकें, उनके भी काम आ सकें, वेरी गुड शाबाश। नेक्स्ट वेरी नाइस, अच्छे से बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ये बच्चा भी कुछ बोलेगा, अच्छा अगली बार बड़े हो जाना फिर बोलना। बहुत प्यारी लग रही है, और अपना भी करना, अपना भी कोई स्वप्न देखना और उसको ही पूरा करना है। ठीक है बैठिए, नेक्स्ट। स्कूल हम इसलिए आते हैं कि हम दूसरे के काम आए। अच्छा कैसे आओगे काम, कैसे इलाज जाओगे, कैसे आओगे काम बताओ, अगली बार बताना, बैठ नेक्स्ट। नहीं स्कूल आएंगे तो क्या कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
काम आओगे, सोसाइटी के, समाज के, सभी के, है ना? वेरी गुड, बहुत गुड, बहुत गुड। हम स्कूल इसलिए आते हैं कि हम किसी के काम आ सके और प्रोडक्टिव बन सके और इफेक्टिव। क्या बात है। मम्मी का नाम रोशन है, पापा का भी कर देना है ना, करोगे दोनों का करोगे, कि पापा से नफरत अच्छी नहीं है। बैठिए बैठिए। बड़ा आदमी क्या होता है, 15 फुट के हो जाएंगे। ठीक है, बड़ा आदमी का मतलब तो समझ में आया ना, बड़ा आदमी क्या होता है, जो दिल से बड़ा है, जिसने किसी के लिए कुछ किया है। अब ओसामा बिन लादेन तो बहुत बड़ा था, उसकी लंबाई तो काफ़ी थी, दाढ़ी भी बड़ी बड़ी थी।